अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज जी मैं हाज़िर हूँ एक लंबे ब्रेक के बाद। लंबा इतना नहीं, लेकिन चले अगर 3-4 दिन का ब्रेक हो जाए जब हम रेगुलर कंटेंट अपलोड करें उसमें, तो फिर ये ब्रेक लंबा होता है, क्योंकि अगर हम रेगुलर कंटेंट नहीं अपलोड करेंगे तो हमारा चैनल ग्रो नहीं होगा। तो चले भाई, कुछ रमज़ान की मसरूफियात थी, कुछ तबीयत ख़राब थी। हम सब रमज़ान में सब कुछ खा रहे होते हैं, खट्टा मीठा ये वो मिक्स एंड मैच सब कुछ चल रहा होता है। तो भाई इस वजह से मेरे दांत में शदीद दर्द था, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और साथ में कुछ और मसरूफियात भी थी। तो फिर एक ब्रेक हो गया था और मेरा एक चक्कर लग रहा था कोची बाज़ार का, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों से सारी डिटेल शेयर करती हूँ कि भाई कोची बाज़ार में आप लोगों को जो स्टोन वर्क वाले ड्रेसेस हैं, डिफरेंट डिज़ाइन के, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट स्टफ़ में जो ट्रेंडिंग में हैं, वो कितने रेट में मिलेंगे, किस लिहाज से मिलेंगे, क्या क्या मुनासिबत से मिलेंगे आपको। बहुत प्यारे लग रहे थे ये ड्रेसेस। और यहाँ पर आप लोग, सबसे मज़े की बात यह है कि ये ड्रेसेस आप अकॉर्डिंग टू योर बजट, अकॉर्डिंग टू योर साइज़, अकॉर्डिंग टू योर कलर स्टफ, सब कुछ आप कस्टमाइज बनवा सकते हो। लेकिन ये है कि अगर आप वेलवेट पे बनवाओगे तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगा, और जब आप कस्टमाइज डिज़ाइन बनवाओगे तो उसका ना जो टाइम पीरियड होता है, जो ड्यूरेशन होता है बनने का, तो वो भी ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप इन्हीं के जो इनके पास पड़े हुए डिज़ाइन है उन्हीं को किसी कलर पे कस्टमाइज़ करवा लो। तो ये चीज़ मुझे इनकी काफ़ी अच्छी लगी, उमदा जोड़ी की। सही अब आ रही हो कपड़ा की गई फिर मैं चली थी जी थोड़े बहुत खुसे देखने, और जो कि मुझे मेरे सूट की मैचिंग के मिल नहीं रहे थे, लेकिन खुसों की वैरायटी बहुत अच्छी आई हुई है कोची बाज़ार में। मुझे ज़्यादा अच्छे लगे थे और रीज़नेबल रेट्स भी थे इनके, क्योंकि ये जो है ये खुसा वो मुझे 800 और 700 में ईजीली दे रहे थे। बाकी अगर आप मीना बाज़ार की साइड पर जाएँ तो मीना बाज़ार वालों ने तो छुरियाँ तेज़ की हुई हैं, और वो कहेंगे कि आएँ और हम आपको ज़िबा करते जाएँ। मतलब मीना बाज़ार के जो जितने भी शॉपकीपर्स हैं उनके रेट्स इतने कोई हाई हैं, भले यार थोड़ा सा गुजारा कर लो, हम भी इंसान हैं, इतने नहीं है कि बस हम बोरिया भर भर के बाज़ार लेके जा रहे होते हैं। बहुत महंगाई है मीना बाज़ार में, लेकिन कोची बाज़ार में मुझे खुसों के रेट्स काफ़ी अच्छे लगे थे। ये लाइट सब स्टैचू कलर था जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा था, लेकिन ये भी मेरे ड्रेस से मैच नहीं हुआ। उसके बाद जी हम चले थे वहाँ से थोड़ा सा आगे करके मोहल्ला खुदादाद पीपल मंडी, जो कि आपको पता है ये सारे एरियाज और सारे बाज़ार आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो आप एक को क्रॉस करोगे तो दूसरा बाज़ार आ जाएगा ईज़िली। वहाँ पे आप लोगों को अफ़गानी ड्रेसेस और इस तरह के मैक्सीज और फ्रॉक्स के बहुत बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन मिलेंगे और रीज़नेबल रेट्स में मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे एक ब्लैक बताया था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और वो 12,000 में था। छोटी बच्चियों के भी इनके पास बहुत अच्छे और बहुत प्यारी प्यारी वेराइटीज़ में थे, और इतने कोई क्यूट लगते हैं छोटी बच्चियों के, बड़े बंदों के हिसाब से तो फिर वो बच्चों वाले तो इंतहाई क्यूट लगते हैं। वो आप लोग अगर देखो ना तो आपको वैसे ही दिल चाहेगा आपका कि भाई ये मैं उठा लूँ इनसे। मुझे ये ब्लैक वाला पसंद आया था। आप लोगों को पता है ये चीज़ें सारी होलसेल में मिलती हैं, और इतनी कोई वैरायटी आई हुई थी इनके पास चूड़ियों की, इतनी कोई प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी। आप लोग देख सकते हैं कलर्स और डिज़ाइंस ये सारे आजकल इन हैं। फाइव हंड्रेड, 600, 700 इस लिहाज से आप लोगों को सेट मिल जाएगा। ये वाला बिंदी और झुमकों का जो सेट है
ये मुझे अच्छा लगा था, 350 का था शायद ये, अब मुझे सही से याद नहीं है, लेकिन बस इसमें एक ही कलर था तो फिर मैंने कहा अब मैं रेड का क्या करूँ क्योंकि मेरे सूट में तो कुछ भी रेड नहीं है। आपको पेंडेंट्स भी बहुत सस्ते और बहुत अच्छे यहाँ पे मिल जाएंगे। ये कुछ छोटे मोटे फ्लावर्स थे जो कि मैं लेके आई हुई थी, मेरी बहन को चाहिए थे, उसका कोई प्रोजेक्ट वर्क था उसके लिए। और ये मेरे काम की चीज़ें भाई, राइनस्टोन चेन, कुछ गोल्डन में, कुछ सिल्वर में। और ये थी मेरी थोड़ी बहुत सी शॉपिंग, जो कि मैं इतनी कोई रश थी वहाँ से मैं रिकॉर्डिंग ही नहीं कर सकी, बंदा अपने को संभाले या फिर बंदा मोबाइल लेके जाए। तो बस फिर उस लिहाज से मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली थी जो कि मैंने सेल से की थी। ये आपको 100 में मिलेगी वो, और इसी तरह की डिफरेंट चीज़ें। शॉपिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, हम आ गए थे घर, और बस फिर जल्दी जल्दी हमने कहा कि चले इफ्तारी बना लेते हैं, क्योंकि जब आपको पता है रमज़ान में ये होता है कि आप लोग उठेंगे, नमाज वमाज पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आपके पास थोड़ा सा ही टाइम बचता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो जो टाइम आपको मिलता है बस आप लोगों ने फटाफट काम करने होते हैं। और इस दफ़ा तो दिन भी छोटे से हैं, तो इतने ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता कि आप लोग बाज़ार में ज़्यादा काम कर सके, थोड़ा बहुत ही हो जाता है, हल्का फुल्का सा हम मैं साथ साथ करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है एकदम से इतना सारा काम जो हो जाए तो फिर वो मसला हो जाता है। और जब हम आए तो मेरे अबू ने हमें सरप्राइज़ दिया कि भाई आज बनेंगे मोटे चावल यानी शोला, जो कि उनको बहुत पसंद है। तो फिर अम्मी ने कहा कि चले अब्बू की वो फरमाइश है तो तुम लोगों के लिए मैं चित्राल की स्पेशलिटी जो है, अब मुझे नहीं पता, हम पश्तों में इसको गुंजाकी भी बोलते हैं और वहाँ पे इसको शीशल बोलते हैं आई थिंक, मुझे वो प्रोनाउंस नहीं करना आता क्योंकि उनका लहजा और हमारा लहजा डिफरेंट है। तो अम्मी हमारे लिए वो बना रही थी, और ये इतने मज़े के होते हैं, इतने मज़े के होते हैं, मैं कहती हूँ आप सारा दिन सिर्फ चाय और ये खाते जाओ ना तो आप इजीली सारा दिन गुजार सकते हो, आप और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे मैं बना रही थी साथ में कटलेट्स। यहाँ अम्मी से हो गया था एक ब्लेंडर, रमज़ान है तो भाई थोड़ा बहुत इंसान भुलक्कड़ हो जाता है। अम्मी ने सारे बना लिए शिशल जो हैं या फिर गुंजाकी जो हैं, जो भी आप कह लें, जो बना लिए। फिर अम्मी को याद आया कि भाई इसमें तो मैंने घी ही नहीं ऐड किया, फिर उन सबको दोबारा से हमने परात में डाला और घी ऐड करके उस आटे को हमने दोबारा से गूंदा, जो कि ऑलरेडी बहुत सख्त हो चुका था, लेकिन बस क्या करें, मेहनत थी, डबल हो गई थी। और फिर अम्मी ने इसको दोबारा से सेट कर दिया था। यहाँ पर हमारी इफ्तारी हो गई थी रेडी, प्लेट्स हमने लगा ली थी, सब कुछ हमने रेडी कर लिया था। अब यहाँ से किचन से ये सब कुछ सीधा जाएगा कमरे में, और वहाँ पे शीट बिछेगी और अच्छी सी इफ्तारी हम लोग करेंगे। तो जी ये थी हमारी झटपट तैयारी इफ्तारी की। यहाँ पे हमारी जी शीट हो गई थी रेडी, और वो जो बिरयानी आपको दिख रही है वो हमारे घर में सामने से आई थी, तो उनके घर की बिरयानी भी बहुत मज़े की बनती है। यहाँ पे जी ये है हमारी इफ्तारी, जो कि हम बाज़ार में थकावट के बाद आके आराम से बहुत इंजॉय कर रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इंसान इतना नहीं सोचता जितना अल्लाह उसको दे देता है। हमने भी इतना नहीं सोचा था कि हम इतना सब कुछ बनाएंगे, लेकिन करते करते इतना सब कुछ बन जाता है। ये है जी रमज़ान की रौनकें और बरकतें। और फिर इफ्तारी के बाद दोबारा से अम्मी लग गई थी वही चीज़ें बनाने में। अच्छा, इसका डिज़ाइन यही बनता है, कोई भी आपके पास टोकरी वगैरह हो, कुछ भी हो जिसमें पतले पतले से डिज़ाइन हो, तो उस पर आप लोगों ने इसको प्रेस करके पीछे की तरफ रोल करना होता है, तो ये ख़ुद गोल से बन जाते हैं और इसके ऊपर फिर यही डिज़ाइनिंग होती है। और ये इतने मज़े के होते हैं, इसको देख के ना अब दोबारा से मेरे मुँह में पानी आ रहा है। साथ ही अम्मी ने फिर उसी आटे की ना छोटी छोटी सी कोई रोटियाँ टाइप होती हैं, ये थोड़ी अम्मी की इन्वेंशन है। वो जो गोल वाले हैं वो प्योर चित्राली चीज़ हैं, और ये जो बाकी डोनट शेप में और वो गोल गोल जो आपको मिल रही हैं वो अम्मी की अपनी इन्वेंशंस थी। अम्मी ने कहा चलो इस तरह के बना के देखते हैं। और मज़े की बात ये है कि जो शेप है ना उस लिहाज से इनके जायके में भी थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो जो हैं वो गोल गोल वाले चित्राल वाले जो स्पेशल हैं उनके टेस्ट में अलग मज़ा होता है, और इन वाले के टेस्ट में अलग होता है, और दोनों बहुत मज़े के लगते हैं। अच्छा, ये आप सहरी में खाएं ना तो फिर आपको बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आजकल इफ्तारी में चाय पी जाती है, तो भाई हमने बनाई थी चाय अपने लिए। ये था आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।